मनु भाकर और सौरभ चौधरी की जोड़ी ओलंपिक से बाहर हो गई है। मनु और सौरभ की जोड़ी फाइनल में जगह बनाने में नाकाम रही। 10 मीटर एयर पिस्टल के मिक्स डबल्स से ये जोड़ी बाहर हुई है। आपको बता दें कि पहले क्वालिफाइंग राउंड में इस जोड़ी ने टॉप किया था, लेकिन दूसरे राउंड में जोड़ी नंबर 7 पर ही रह पाई। तो मनु और सौरभ की जोड़ी फाइनल में क्वालिफाई नहीं कर पाई है। ओलंपिक से जुड़ा ये अपडेट आपको दे रहे हैं, लेकिन दोनों ही बेहतरीन खिलाड़ी हैं, युवा खिलाड़ी हैं और भारत की उम्मीदें भविष्य में भी लगातार इन खिलाड़ियों से बनी रहेंगी। हमारे सहयोगी जीएस विवेक हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विवेक, परफॉर्म बहुत अच्छा किया, अंत तक लगता रहा कि उम्मीद है मेडल आ जाएगा, मेडल नहीं मिल पाया, लेकिन इनके परफॉर्मेंस पर क्या कहेंगे? देखिए प्रतिमा, मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ी उम्मीद थी मेडल की टीम इंडिया की तरफ से, और सबको उम्मीद थी कि ये मेडल पक्का आएगा। और इसलिए था क्योंकि अभी तक इन्होंने 7 टूर्नामेंट साथ में खेले हैं, 7 में से अगर मैं कहूँ तो 6 में इनको मेडल मिले हैं, जिसमें 5 गोल्ड मिले हैं, 1 सिल्वर मिले हैं। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि इन दोनों की जोड़ी किसी कॉम्पिटिशन में उतरी है और मेडल नहीं मिला, और ये सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट मैं कहूँगा इस पूरे ओलंपिक्स का, क्योंकि ये एक ऐसा इवेंट था जो मिक्स इवेंट है 10 मीटर एयर पिस्टल में, जहां पर सौरभ चौधरी और मनु भाकर है। ये एक ऐसा इवेंट था जहां पर शूटिंग कंटिंजेंट कहिए, आप फेडरेशन कहिए या स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री कहिए, इन सब की उम्मीदें थी कि कम से कम गोल्ड नहीं तो सिल्वर जरूर आएगा, क्योंकि अभी तक जितने भी टूर्नामेंट में ये दोनों गए हैं साथ में मेडल के साथ ही वापस आए, और कम से कम सिल्वर मेडल नहीं तो हमेशा की तरह गोल्ड मेडल लेके ही आए। तो ये बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है, बहुत बड़ा धक्का है। शूटिंग कंटिंजेंट ने अभी तक जितने भी शूटर्स गए हैं, नंबर 1 गए हैं, नंबर 2 गए हैं वर्ल्ड नंबर, सब ने फ्लैटर किया है, डिसीव किया है फ्लैटर करके, लेकिन ये सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है। आज सही मायने में बहुत बड़ा धक्का लगा है भारत के मेडल प्रॉस्पेक्ट्स को, क्योंकि अगर मनु भाकर और सौरभ चौधरी की जो जोड़ी है वो मेडल के बिना वापस आई है इस इवेंट में, तो ये बहुत बड़ा धक्का है। सौरभ ने क्वालिफिकेशन स्टेज 1 में बहुत बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया, उनका जो स्कोर था 98 था, लेकिन मनु भाकर ने स्टेज 1 हो या स्टेज 2 हो अपने एक्सपेक्टेशंस के तहत परफॉर्म नहीं किया। उनके स्कोर्स जो थे वो 97, 94, 95, जो कि शूटिंग की अगर हम बात करें तो काफ़ी कम है, और स्टेज 2 पे, लेकिन इसके बावजूद स्टेज 1 में वो नंबर 1 थे। स्टेज 2 पे जब 8 टीमें आती हैं साथ में, 8 में से आपको 4 पे आना चाहिए, वहां पर मनु भाकर ने एक बार 92 और 94 की वजह से जो सौरभ चौधरी और मनु भाकर की जोड़ी है वो 7वें नंबर पर आई 8 टीमों में से, और इसके वजह से मेडल कंटेंशन से बाहर हो गई है प्रतिमा। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।